हेलो दोस्तों, निफ्टी ट्रेडर की एजुकेशनल सीरीज में एक बार फिर हम आपका स्वागत कर रहे हैं। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में वेबसाइट पर, ऐप पर हमें कंटिन्यूअसली व्यूअर्स के और आपके सवाल आ रहे हैं, और वो सवाल है व्हाट इज मैक्स पेन थ्योरी। मैक्स पेन थ्योरी क्या है, उसे कब, कहाँ और कैसे यूज करना है। तो मैक्स पेन थ्योरी जो है, पहली बात, ये सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स या इंडेक्सेस के लिए काम आएगा जहां पर जो FNO सेगमेंट में होंगे। अगर उनका फ्यूचर या ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं होती है तो उन स्टॉक्स या इंडेक्सेस के लिए इसकी एप्लीकेशन जीरो है, पहला कंसेप्ट। दूसरी चीज, ये तभी असरदार होगी जब उन स्टॉक्स में या उन इंडाइसेस में आपके पास में लिक्विडिटी अच्छी होगी। अब लिक्विडिटी का मतलब हुआ उनका वॉल्यूम जो है, डेली वॉल्यूम जो है वो काफी हाई है, ओपन इंटरेस्ट काफी हाई है, उन्हीं स्टॉक्स के लिए ये वैल्यूएबल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे निफ्टी है, निफ्टी में हमें काफ़ी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलता है, या बैंक निफ्टी है, वहाँ पर काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है, लेकिन निफ्टी रियल्टी है या निफ्टी फार्मा है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती है, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। दूसरा, अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए, व्हाट इज मैक्स पेन, इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज चाहिए ऑप्शंस के बारे में, कि पुट कॉल क्या होता है, लॉन्ग किसे कहते हैं, शॉर्ट किसे कहते हैं, ये थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। और एक और कंसेप्ट जो आपको दिमाग में रखना है वो ये है कि FNO जो है, जब भी हम फ्यूचर्स और ऑप्शंस की बात करते हैं तो वो जो है जीरो सम गेम होता है। अनलाइक कैश स्टॉक्स, या कैश में जो हम ट्रेडिंग करते हैं या कैश में इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स के अंदर, उसके वनस्पत FNO जो है वो जीरो सम गेम है। इसका मतलब एक पार्टी को जितना नुकसान होगा एक कॉन्ट्रैक्ट में, उतना ही दूसरी पार्टी को फायदा होगा। यहां पर मैं ऑब्वियसली इग्नोर कर रहा हूं जो ब्रोकरेज या छोटे मोटे टैक्सेस लगते हैं, उन चीजों को अगर एक बार साइड में रख दें तो कुल मिला के मोटा मोटा कंसेप्ट ये है कि एक पार्टी को जितना फायदा हो रहा है उतना ही दूसरी पार्टी को नुकसान हो रहा है। लेकिन कैश में क्या होता है, कैश में जैसे आपने शेयर खरीद लिया, अब वो शेयर अगर 100 का 200 रुपए हो गया तो नुकसान किसी को नहीं हुआ, सिर्फ आपको फायदा हुआ, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। तो FNO कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें एक बायर चाहिए, एक सेलर चाहिए। अब यहां पर एक, जैसे हमने एक डिपिक्शन दिया है, इससे थोड़ा बहुत आपको समझ में भी आ जाएगा अगर ये पुट कॉल या लॉन्ग शॉर्ट का कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है। तो लॉन्ग का मतलब होता है कि आपने वो परचेज, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑप्शन का, वो ऑप्शन आपने खरीदा है, और शॉर्ट का मतलब होता है वो ऑप्शन आपने बेचा है। अब अगर आप पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप मार्केट में बेयरिश हैं, और अगर मार्केट नीचे जाता है तब आपको फायदा होगा। अब जो सामने वाला है, सामने वाली पार्टी है, उसने पुट ऑप्शन बेचा है, तो उनको तब फायदा होगा जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या मार्केट मूव नहीं करेगा। तो इन दोनों का पे ऑफ डायग्राम बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। अगर आपको नुकसान हो रहा है एज अ पुट बायर, तो जो सामने वाली पार्टी है जिसने पुट बेचा है उसको उतना का उतना फायदा हो जाएगा। उसी तरह से जैसे अगर आपने मान लीजिए कॉल को खरीदा है, तो सामने वाली जो पार्टी है वो कॉल बेच रही है, जब आपको नुकसान होगा, यानी कि जब मार्केट नीचे जाएगा तब आपको नुकसान होगा, और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो सामने वाली पार्टी को नुकसान होगा, आपको फायदा होगा। तो ये हुआ कॉल और पुट ऑप्शन। तो ये हमने यहां पर आपको पे ऑफ डायग्राम दिखा दिए कि किसका कहां पर ज्यादा मुनाफा होगा, किसका कहां पर नुकसान होगा। अब ये सब बात करने के बाद हम बात करेंगे कि मैक्स पेन थ्योरी क्या होती है और किस पर आधारित है। अब 95% जो ऑप्शंस हैं, ये स्टैटिस्टिकली देखा गया है कि एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी उनकी वैल्यू जीरो हो जाती है। यानी जिन लोगों ने ऑप्शन खरीद रखा है, उन्होंने जितना भी पैसा ऑप्शन खरीदने में इन्वेस्ट किया था, उसकी वैल्यू वर्थलेस हो गई, वो जीरो हो गई है। मतलब उन्हें पूरा का पूरा, वो जो उन्होंने प्रीमियम पे किया था वो पूरा उनका जीरो हो गया है। जो सेलर है, उन्होंने सारा का सारा प्रॉफिट खींच लिया है। तो सेलर्स ज्यादातर 95% फायदे में रहते हैं। जो बायर्स हैं, वो 5% ऐसे केसेस होते हैं जहां पर बायर्स फायदे में रहते हैं। तो इसी चीज पर मैक्स पेन थ्योरी आधारित है, और मैक्स पेन थ्योरी ये बोलती है कि ऑप्शन एक्सपायरी विल हैपन एट अ पॉइंट वेयर राइटर्स विल सफर मिनिमम लॉस। जो ऑप्शन के राइटर हैं उन्हें कम से कम नुकसान होगा, बिकॉज इट्स अ जीरो सम गेम। क्योंकि ये जीरो सम गेम है, तो जो बायर है उसे मैक्सिमम नुकसान होगा, यानी उसका पेन जो है, उसका जो लॉस है, लॉस की वजह से जो पेन है वो मैक्सिमम होगा, यानी मैक्सिमम पेन थ्योरी बन गई यहां पर। जो ऑप्शन सेलर है उन्हें मिनिमम लॉस होगा, और ऑप्शन बायर जो है उन्हें मैक्सिमम लॉस होगा यहाँ पर, और इसी को बोलते हैं मैक्स पेन थ्योरी। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन है,
तो वो भी हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दी है अपनी ऐप के अंदर और हमारी वेबसाइट के अंदर। अगर आप niftytrader.in पे जाएंगे या फिर आप हमारी ऐप डाउनलोड करके वहां पर देखते हैं, तो वहां पर भी हमने इसको बहुत सिंप्लीफाई तरीके से इसको डिस्प्ले करवा दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब आप ऐप खोलते हैं और वहां पर आपको रेड कलर के बार्स नजर आते हैं या ब्लू कलर के बार्स जो दिखाई दे रहे हैं या ऊपर जो हमें कुछ एक नंबर दिखाई दे रहा है, उसका क्या मतलब होता है? तो रेड बार्स इंडिकेट करते हैं कि पुट राइटर्स को कितना नुकसान होगा अगर इस पर्टिकुलर स्ट्राइक पर, मान लीजिए 10,000 पर अगर एक्सपायरी होती है इस महीने, तो पुट राइटर्स को कितना नुकसान होगा वो दिखा रहा है हमारा रेड बार। और जो ब्लू बार है वो दिखा रहा है कि अगर इसी 10,000 पे एक्सपायरी होती है हमारे निफ्टी की, तो जो कॉल राइटर्स हैं, ऑप्शन के कॉल राइटर्स जो हैं, उन्हें कितना नुकसान होगा। तो इनका इंडिविजुअली ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है वो है इनका सम, कि पुट ऑप्शंस और कॉल राइटर्स, कॉल ऑप्शन के राइटर्स मिलाकर इन दोनों को किस लेवल पे कितना नुकसान हो रहा है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। तो उसका जो सम है उसके हिसाब से हमने ये देखा कि अब जो ये सम जो है ये मिनिमम किस लेवल पे आता है, और ये नंबर हमने आपके लिए ऊपर दिखा दिया। जैसे अगर आप अभी मान लीजिए निफ्टी निफ्टी की ऐप खोलेंगे, वहां पर आपको एक नंबर दिखाई देगा 10,500, 600, 700, जो भी नंबर है, ये ऊपर वाला नंबर जो है वो जो डिपिक्ट कर रहा है कि द करंट ऑप्शन मैक्स पेन फॉर निफ्टी इज एट 10,500 या 10,700। इसका मतलब सिंपल ये है कि रेड और ब्लू बार का जो सम है इस लेवल पे मिनिमम है और कुछ भी इसका मतलब नहीं है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, इसे आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ एक चीजें आपको मैं बता देता हूं कि इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है जब आप इस टूल को यूज कर रहे हैं। अब टूल तो बड़ा शानदार है कि आपको सिंपल सा एक कंसेप्ट ये मालूम चल गया हमें कि लेवल, अच्छा इस लेवल पे निफ्टी जो है एक्सपायर होने वाला है इस एक्सपायरी में, या बैंक निफ्टी इस लेवल पे एक्सपायरी होने वाली है। लेकिन इससे जो आपको यूज करना है वो बड़ा थोड़ा समझदारी से करना पड़ेगा। ऐसे ही कहीं भी इसके बेसिस पे आप ट्रेड मत उठा लीजिए। तो मैं दो तीन आपको पॉइंट्स देता हूँ यहाँ पर। तो ये जो वैल्यू हमें मिल रही है ऊपर 10,500 या 10,600, ये जो वैल्यू है ये जब सीरीज नई शुरू होती है उस समय ये बहुत ज्यादा आपके लिए एक्यूरेट नहीं रिजल्ट देगी, क्योंकि अभी अभी थोड़ा बहुत मार्केट में है, जो इस नई सीरीज में थोड़ी बहुत ट्रेडिंग होना शुरू हुई है और ये बिगनिंग ऑफ द मंथ में बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। हालांकि बैंक निफ्टी के केस में जहां पर वीकली एक्सपायरी होती है, तो उस वीकली एक्सपायरी में आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ करंट एक्सपायरी, जो आने वाली जो निकटतम एक्सपायरी है उसी के लिए यूज कीजिए। बहुत ज्यादा दूर की 1 महीना 2 महीना बाद की एक्सपायरी में अभी आप अगर चेक करना चाहेंगे मैक्स पेन लेवल क्या है, तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो सकती है अगले 1-2 महीने में। तो हम इसे सिर्फ शॉर्ट टर्म देखते हैं। अब ये जो लेवल आ रहा है ये है मार्केट की अभी जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से। मार्केट ने अभी जो एनालिसिस करी है या जो अभी रिजल्ट्स आ रखे हैं या जो अभी उनकी मार्केट की अजम्पशंस हैं या जो सेंटिमेंट है उसके हिसाब से ये लेवल जो है मार्केट सोच रहा है एक्सपायरी के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सपायरी यही होगी। अब कई बार ये भी होता है कि जब एक्सपायरी होने वाली है तो उसके आसपास में या उससे एक दिन पहले या एक्सपायरी के दिन हो सकता है कोई ऐसा ड्रास्टिक न्यूज़ आ जाए, जैसे ब्रेक्सिट जैसी न्यूज़ आ गई या इलेक्शन के रिजल्ट आ गए, तो हो सकता है वहां पर मार्केट जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाए। तो वहां पर अगर आपने ये कॉशंस नहीं लिए हैं, प्रिकॉशंस नहीं लिए हैं, अपनी बाकी एनालिसिस नहीं करी है, तो भारी नुकसान भी दे सकती है। अब ये जो राइटर्स होते हैं ये होते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, ये यूजुअली प्रेफर करते हैं कि ऑप्शन राइट करें, ऑप्शन बहुत ज्यादा परचेज नहीं करते ये लोग ऑप्शन राइट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं या सेल करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, ताकि ये लोग जो प्रीमियम है उससे बहुत ज्यादा कमा सकें। तो आपको सिर्फ अपने पहली पहली बात तो सिर्फ मैक्स पेन के लेवल पर कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। आपको अपनी खुद की एनालिसिस करनी है, इंडिकेटर्स को चेक करना है, जो आने वाली सीरीज में हम बताएंगे या बात करेंगे और इंडिकेटर्स के बारे में किस तरह से आप पता कर सकते हैं। हमने कुछ रिवर्सल पैटर्न्स पे कुछ एक वीडियोस बनाए हैं और आने वाले समय में हम कुछ और वीडियोस भी बनाएंगे जिससे आप एनालिसिस कर पाएं और जिनके बेस पर कुछ शायद ट्रेड लिया जा सके। लेकिन ऑप्शंस की बात जहां तक आती है, तो सिर्फ ऑप्शंस के डेटा पर आप ट्रेड नहीं लीजिए कभी भी। वो उसको सिर्फ अपने जो ट्रेड हैं उसे एक बस डबल एक एश्योरेंस मिल जाएगा आपको कि हाँ, जो ऑप्शन डेटा है वो मेरी एनालिसिस के साथ ही चल रहा है। मतलब जो मेरी एनालिसिस है कि मार्केट फॉर एग्जांपल नीचे जाएगा, तो ऑप्शन भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है नीचे जाएगा, तो एक मुझे एक सेकंड अश्योरेंस मिल गया। उस तरह से हमें यूज करना है, बाकी इसके बेसिस पे कभी भी ट्रेड नहीं लेना है ऑप्शंस के बेसिस पर। ये सिर्फ आपके
जो एनालिसिस है उसको सपोर्ट करने के काम आ सकता है, ये सॉलिड एनालिसिस नहीं है। तो इसे ध्यान में रख के कभी भी ट्रेड कीजिए। और आने वाले वीडियोस में जब हम बात करेंगे तो हम थोड़ा सा बताएंगे कि ये सारे फैक्टर्स को हम किस तरह से मिलाकर एक अपनी स्ट्रॉन्ग एनालिसिस बना के और अपना ट्रेडिंग जो है या ट्रेडिंग अपनी जो एनालिसिस है मार्केट के बारे में उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। उसके बारे में फिर बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।